पहले गांजा पिलाकर बेसुध किया, फिर लोहे की रॉड से चेहरे को कुचलकर हत्या कर दी। मध्य प्रदेश के गुना जिले के आरोन तहसील के कुलौदी गांव में यह घटना हुई है, जिसमें मृतक की उम्र 41 साल बताई गई है। हत्या दोपहर को की गई। हत्या का आरोपी मृतक का दोस्त बताया जा रहा है। मौके पर एसडीओपी राधोगढ़ और एसएफएल अधिकारी डॉक्टर आरसी अहिरवार ने निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ग्राम कुलौदी का भूरा पुत्र लक्ष्मण केवट अपने दोस्त भूरा गोस्वामी के साथ खेत पर दोपहर करीबन 3 बजे गांजा पीने के लिए गया था। दोनों ने गांजा पिया। भूरा केवट गांजे के नशे में जैसे ही चूर हुआ तो भूरा गोस्वामी ने उसकी लोहे की रोड से कई बार उसके चेहरे को कुचलकर हत्या कर दी और साथ ही आंखें एवं नाक भी फोड़ दिए। साथ ही सिर में जोरदार मार कर उसकी हत्या कर दी। मरने के बाद मृतक को घसीटकर गेहूं के खेत में फेंककर भाग गया। जब मारा गया तब कई किसान खेत में काम कर रहे थे। मृतक भूरा केवट पैर से दिव्यांग था। मौके से खून से सनी लोहे की रोड पुलिस ने जब्त कर लिया है, साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई है। करीब 3:30 बजे आरोन थाना पुलिस को कंट्रोल रूम के माध्यम से डायलनेट के माध्यम से सूचना मिली कि ग्राम गुंदौली में झगड़ा हो गया है और ऐसा पता चला है कि मर्डर हो गया है। तो सूचना पर तत्काल हमारे यहाँ आरोन की पुलिस गई मौके पर। वहाँ पर जाकर देखा तो जो जानकारी मिली वहाँ से जो उन्होंने रिपोर्ट की बताया तो पाया गया कि ग्राम गुदौली में एक विकलांग भूरा केवट उम्र 40 वर्ष करीब का था और गांव का ही एक भूरा पुरी भूरा गोस्वामी, ये इनका आपस में घर माना जाना था। इनकी शोहरत थी, शायद कुछ गांजा भी कभी कभार पीते साथ में साथ रहते हैं, ऐसी शोहरत पता चली। और आज ये जब खेत में थे तो पूरी जो गोस्वामी भूरा गोस्वामी तो इसने प्लान के मुताबिक अपने ये भूरा केवट को, जिससे कि पुरानी रंजिश चल रहा है, शायद ये अपने घर में जाने आने को लेकर कुछ शक वगैरह करता था, इसी बात को लेके इसने ठान ली थी कि इसके साथ घटना घटित करना है। और इसने अपने भूरा केवट को, जो कि विकलांग था, उसको अपने खेत में बुलवाया। वहाँ पर गांजा पीने के बहाने जैसे जो भी है वो अपने खेत में आया। उसी समय इसने भूरा केवट पर राड से अपने प्लान के मुताबिक प्राणघातक उस पर हमले किए, कई बार राड से मारा। वो चिल्लाया तो वहाँ पे एक दो लोग और गांव के लोग दौड़ के पहुँच गए और इसने काफ़ी गंभीर चोटें से उसको पहुँचाई हैं और मारपीट कर ही भाग गया। सर, यहाँ से सुनने में आया ये भूरा गोस्वामी है, पूरी है, इसमें पहले से भी केस दर्ज है? इस संबंध में हम अभी देख रहे हैं। भूरा गोस्वामी, यदि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड हुआ तो वो भी इस विवेचना के दौरान उसके रिकॉर्ड में लाया है। तो इस घटना की रिपोर्ट पर से थाना आरोन में हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और इसकी सघन विवेचना की जा रही है और इसका पोस्टमार्टम कराया जाना है और आगे हम सीधे इसको आरोपी को पकड़ लेंगे। पुलिस की पार्टी भी लगी हुई है। आरोन से ग्राउंड रिपोर्टर चंद्रेश रंगवंशी की रिपोर्ट।